नमस्कार गुरुदेव का। सतनाम जिस मंत्र सुनाया भव जल विचों कढ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ जन के संग चित आवे नाओ। बेसुमार अथाह अगंत तुले ज्यों बला बहो त्यों नानक दास बोले। पतत पावन भगत वछल कृपा दे खजाने गुरता गद्दी ते शुभाए मान निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान न्योटियां दी ओट निथाव्यां दी थाव। सतगुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी परम प्रीतवान गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जीओ। बहुत वड्डियां भागां दे नाल सतगुरु जी दे पावन स्थान गुरद्वारा शहीद संत बाबा निहाल सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह जी दे तप अस्थान दे उत्ते गुरु की हाजर हजूरी विच जुड़न दा सुभाग समा आपां सारयां नूं प्राप्त होया है। जिथे नगर दी संगत इलाके दी संगत पंजाब तो संगत पंजाब तो बाहरलियां स्टेटां तो इत्थों तक कि देशां विदेशां तो भी आप जी पहुंचे होए हो सतगुरु जी के चरणों में आपो अपनियां अरदासां बेनतियां लैके गुरु के सिख का यह फर्ज बनता है भाई कि जिहड़ी भी उहदे मन की पीड़ा है वह गुरु चरणों में आके कह देवे क्योंकि साडा गुरु सर्व कला समर्थ है हर प्रकार करके साडी हर भावना नूं पूरी करन दा जिम्मा सतगुरु जी ने अपने उत्ते लिया होया है। बशर्ते गुरु का सिख भावना रख के आ गया भावना वाले वास्ते सब कुछ ही है खालसा जी ते जिन्हां दी भावना नहीं उन्हां वास्ते तां रब दी भी होंद नहीं है उह तां रब दी होंद तो भी मुनकर हन। सो जिहड़े भावना दे नाल गुरु चरणां विच आउंदे है सतगुरु जी दा वचन मानदे ने जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर उन्हां दीआं भावनावां नूं परमेश्वर स्वरूप सतगुरु साहिब जी आप फल लाउंदे है। कोई भी अरदास तुसीं लै के आउंदे हो गुरु चरणां विच करदे हो भावना होनी चाहीदी है सतगुर सच्चे पातशाह जी बड़ी शीघर ही उस नूं संपूर्ण कर दिंदे हन। ते इस अस्थान दे उत्ते जिहड़े तुसीं चिरकाल तो जुड़े होए हो किसे वास्ते गुज्जी छन्नी नाही बात किसे वास्ते इह लुकी छिपी होई गल नहीं है। शहीदां सिंघां दे इस अस्थान ते गुरु साहब दे चरणां विच जिहड़ी अरदास कर दिंदे हो सतगुरु जी तुहाडी भावना नूं थोड़े ही समें विच फल ला दिंदे है। अज भी तुसीं बेअंत अरदासां लै के आए होवोंगे क्योंकि सतगुरु जी सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकी सरनी पाई है दर्शन भेट तो होत आनंदा दुख गया हर गई है। सतगुरु कहिंदे ही उहनूं है जिहड़ा सारिआं सुखां नूं प्रदान करन वाला सुखां दा दाता हो ते उहदी शरण पैणा चाहीदा है। जिस मिलिआ मन होए आनंद सो सतगुर कहीऐ जिसनूं मिलण करके मन दे विच आनंद दी अनुभूति होवे ना उहनूं भाई सतगुरु कहा जांदा है। सच्चा गुरु अग्ञान जिहड़ा इह नेहरा है ते ज्ञान चानण है
सच्चा गुरु अग्ञानता दे हनेरे विचों कढ़ के अपने सिख नूं ज्ञान दे चानणे विच लै जांदा है। गुरबाणी इस जग में चानण करम वसै मन आए। करमां वालिआं दे जिन्हां दे मस्तक दे लेख अति उत्तम आ ना, उन्हां दे हिरदिआं दे विच इह गुरु की बाणी वसदी है, उन्हां नूं चंगी लगदी है। और वह बह के गुरु की बाणी की विचार सुनते हैं, गुरु की बाणी पढ़ते हैं, विचार के अपने जीवन के अपनाते हैं, तो फिर गुरु कई खुशियां के पात्र बन। जिन्होंने वाहगुरु परमेश्वर की इस बाणी सतगुर के वचनों अपने हिरदे में बसाया। सतगुर वचन वचन है, सतगुर पादर मुक्त जनाब है गो, उन्हां दीआं कथा कहानियां अज आप इन्हां स्टेजां के उत्तों बह के करते हैं। उन्हां दा जीवन साढ़े लई खालसा जी मार्गदर्शक है। असी उन्हां दे पैड़ चिन्हां दे उत्ते चलण दा यतन करदे हां। जिवें आम ढाडी सिंह जदों वारां गाउंदे आ ना, ते उह वार दे अंत दे विच पढ़दे हुंदे आ पैड़ां गूढ़ियां। उह जिहड़ियां गूढ़ियां पैड़ां जिहड़े पा के गए आ ना महापुरख, जिहड़े रब दे प्यारे सतगुरु जी दे सिख, सतगुरु के दर घर के प्रीतवान प्रेमी, उन्हां पैड़ां उत्ते चलण दा फिर आपां सारे यत्न करदे हां। सो प्रेमियो, आप जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच पहुंचे हैं, आके भावना नाल आपां सारयां ने नमस्कार कीती है। भावें कि गुरु का सिख सवेर वेले उहदी सवेर उहदा अमृत वेला दिन का आरंभ ही सतगुरु जी नूं नमस्कारां करन दे नाल हुंदा है। प्रतक रूप में गुरु घर भावें बाद विच चलिया जाए, पर जदों सवेरे ही उठ के एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तो दिन की आरंभता होंदी है, उस वेले अकाल पुरख नूं नमस्कारां होणियां शुरू हो जांदियां। फिर जाप साहब पढ़ता गुरु का सिख, नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान, नमस्कार है मेरी उस अकाल पुरख वाहिगुरु जेड़ा योगियों का भी वड्डा योगी है। नमस्कार है योग योगे जेड़ा जुड़ने योग है, जिदे विच होर किसे विच जुड़ के की लवांगे भाई, एक वाहिगुरु तो बिना होर सानू दे कौन सकदा कुछ, इस करके उहदे विच जुड़ना ही योग है। और रब दे प्यारे जिन्ने योगी जुड़े हुए आपस विच जदों जुड़ के बहिंदे है, उन्हां सारिआं विच भी उही वरतदा है नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने। ज्ञान कहिंदे है किसे भी वस्तु दे विच ध्यान नूं टका के ते उहदी पूर्ण तौर ते जानकारी हासिल हो जाणी, उहनूं ज्ञान कहा जांदा। अज दे समें दे विच आपां वेखीए आ जिहड़े साडे पढ़े लिखे साइंसदान वीर है, उन्होंने बहुत वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हालांकि वह भौतिक वस्तुआं ने दुनियावी वस्तुआं हैं, एटम बारे उन्होंने जानकारी प्राप्त की, उन्होंने किन्नियां परमाणु शक्तियां अगे ईजाद कर लिया, परमाणु बंब बना लिया, सब कुछ अपने वस दे विच कर लिया। क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान हो जाए वह तुहाडे वस विच आ जाती है, पूर्ण जानकारी होने तो बाद उन्हें तुसीं किसी भी तरीके वरत सकते हो। ते जिन्हां नूं भाई परमेश्वर का ज्ञान हो गया, वह फिर वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपनी प्रेम भावना नाल जिथे मर्जी बुला लैंदे है, और जो मर्जी उन्हां दे दर दे उत्ते अर्ज करके मनवा सकदे है। पर गुरु के प्यारे एवें कोई अकारण नहीं, सगों इस संसार सागर तो उपर दीआं गल्लां वाहिगुरु परमेश्वर तो मनाउंदे है, एवें छोटियां छोटियां गल्लां विच उलझ के नहीं रहिंदे। सो सतगुर सच्चे पातशाह नूं जदों आपां अरदास करदे हां, नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे, नमस्कार है जिहड़ा मंत्रां दा भी महामंत्र है, बीज मंत्र है। ते सतगुरु जी ने जो सानूं गुरबाणी विच सब तो पहला अक्षर सब तो पहला ज्ञान बख्शिया, वह आख्या एक ओंकार। एक ओंकार तो गुरु की बाणी की शुरुआत होंदी है, और एक ओंकार जिहड़ा ओंकार है
एक अकाल पुरख का वाचक है ते एहो ही बीज मंत्र है। बीज क्योंकि बीज तो अगे बूटा पैदा हुंदा ना उहदे पत्ते लगदे आ टाणियां लगदियां फुल लगदे आ ते फल लगदे आ। इस करके ओंकार बीज मंत्र ते इह तों अगे ही सारा पसारा होया संसार दा। माया सबल होके परमेश्वर ने यह संसार रचे। वो अक्रै पार ब्रह्म परमेश्वर जिहड़ा कुछ भी करता नहीं अफुर अवस्था में बैठा सी। जदों ये ख्याल आया कि संसार की रचना की जाए तो एक ओंकार तो ही सारा पसारा वह वाहगुरु परमेश्वर ने पसारिया। और जिस दिन वह मन करे उस दिन खालसा जी ये सारे संसार दे पसारे नूं पलां शिना दे विच ही समेट सकदा। जब उकरख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सानू सब नूं अपने विच मिला लेगा। सो इस करके जिहड़ा मंत्रां दा भी मंत्र रूप है श्रोमणी मंत्र रूप नमो मंत्र मंत्रे वह परमेश्वर नूं गुरु का सिख नमस्कार करदा। नमो ध्यान ध्यान वह वाहगुरु परमेश्वर जिहड़ा जिसका हमेशा सारी ध्यान धारदा। और ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है खालसा जी जिस अवस्था दे विच जाके ध्याता ध्यान ते इह विद्वानां ने त्रिपुटी मन्नी है तीन प्रकार का। जिवें ज्ञाता ज्ञान गे है ना ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करन वाला ज्ञान जिस साधन राही जिस बिरती राही ज्ञान प्राप्त कर रहा है और गे जिस बारे ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस तरह ध्याता ध्यान ते ध्याता ध्यान वाला ते जिस साधन दे राही जिस बिरती दे राही ध्यान धरिया जा रहा है ते ते जिसका ध्यान धरिया जा रहा पर ब्रह्म परमेश्वर का वह ते है। सो ध्यान धारद्या धारद्या नमो ध्यान ध्याने नमस्कार है उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु नूं जिसका सारे ही ध्यानी ध्यान धारदे और जो सारे ध्यानों के विचों श्रेष्ठ ध्यान धारने योग है। तै धातु तो यह बनिया है जिसका अर्थ है किसी भी पदार्थ के विच जां अपने शरीर के अंदर जां बाहरले पासे बिरती नूं एक रस टका के रखना ते बिरती इस कदर टिक जानी मन की इस कदर एकाग्रता हो जानी भी उत्थे ध्यान वाला भी अपने आप नूं भुल जाए जे साधन राही ध्यान रहा वह भी भुल जाए सिर्फ तेज ही का ध्यान धारिया जा रहा उहदे नाल ही एकमिक हो जाए उहनूं ध्यान कहा जाता है। यह ध्यान की अवस्था है। बहुत सारिया साखियां बहुत सारे साखी प्रमाण गुर इतिहास विचों मिल जाएंगे जिन्हां विच गुरु के प्यारियां ने सतगुरु साहिब जी का ध्यान धारिया ते ध्यान धारदे धारदे सतगुरु जी दा सरूप हो गए प्रेम दे हत्थां दे नाल सतगुरु जी दे चरण ऐसे पकड़े कि मुड़ के छड़े ही नहीं ते सतगुरु जी ने भी संगतां विच उहनां दी महिमा प्रगट कीती। सतगुरु जी अपनी जगह तो हिल रहे हिले जां उहनां प्रेमियां दी पुकार उहनां दे ध्यान दे नाल ही सतगुर सच्चे पातशाह जी उहनां दे कोल पहुंचे। ध्यान दियां बहुत सारियां उदाहरणां जिथे गुर इतिहास विचों मिलन गईयां उथे गुरबाणी विच भी बड़ी जगह जगह दे उत्ते ध्यान दियां उदाहरणां सतगुर सच्चे पातशाह जी ने दित्तियां। सतगुरु जी गुरबाणी दे विच पहली उदाहरण जिहड़ी दिंदे है उह इक कछू कुंभी दी है। हुण कछू कुंभी जिहड़ी उन्हां अपने आंडे बाहर रेता दे विच दे के ते आप जल दे विच पानी दे विच रहिंदी है ते तुहाडे विचों बहुते जाणदे होणगे कि कछू कुंभी ना तां उन्हां नूं दुध चुंघा सकदी है ना ही उन्हां बच्चियां दे खंभ हुंदे है वी उह उड के किते जा सकण। बस सिर्फ ध्यान दी परपक्ता इन्नी हुंदी है कि उह पानी विच बैठी रहिंदी है ध्यान इन्ना परपक् हुंदा ध्यान दे नाल ही उहदे अंडियां विचों बच्चे निकलदे है बच्चे तुरन जोगे हुंदे आ ते पाणी विच आ के तैरन लग जांदे आ। गुरबाणी विच इह प्रमाण है कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर
पंख खीर तिन नाही। कछु कुमी वह जल दे विच रहिंदी है, तन उहदे अंडे जिहड़े बच्चे उहदे बाहर है, ना उन्होंने खंभ है ते ना उन्होंने छकण वास्ते खीर दुद्ध है। पर फिर भी वह अपने ध्यान की अवस्था इन्नी परिपक् होंदी है, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। वेखो पारब्रह्म परमेश्वर ने कैसी खेड रची है भी वह ध्यान दे नाल ही अपने अंडियां दे विचों बच्चे कढ के ते उन्हां नूं तैरन जोगे कर दिंदी है। दूजी उदाहरण जिहड़ी आपां रहिरा साहिब दे विच नित्ता प्रति पढ़दे हैं, ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करेगा। आ जदों कत्तक दे महीने की शुरुआत हो जाती है, पहाड़ां विच रहण वालियां कूंजां बर्फ पैण लग पैंदी है ना, पहाड़ां नूं छड के उदों मैदानी इलाकियां वल झुंडां दे झुंडा आकाश दे विच अंबर दे विच उड़दे वेले आ मैदानी इलाकियां विच आ जांदियां। पिछे उन्हां ने जो आंडे दित्ते हुंदे है वह पहाड़ां दीयां कुंडां विच छड आउंदे। हुण वह इन्नी दूर विदेशां प्रदेशां दे विच आ जांदियां उड़ के, ते उन्हां बच्चियां नूं कौन खवाउंदा पलाउंदा, उन्हां अंडियां दी संभाल कौन करदा, किवें उन्हां विचों बच्चे निकल के उडार हुंदे है। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਡਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬਚਰੈ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮ ਤਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕੂੰਜ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਹੈ। ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬਚਰੈ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮ ਤਾਰੇ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਿਹੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਮਾਲਕੂੜੇ ਤਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਭਾਵੈ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਗਏ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ। ਉਹ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
कीरतपुर साहब की धरती के उत्ते विराजते संगतों नूं उतार रहे आ जिवें हुण दीवान सजिया होया आप जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं ना आपां इवें सतगुरु जी के दर्शन संगतां नित्ता प्रति करदे आ ते सतगुरु जी के हजूर रहण वाला एक सिख भाई गोंदा भाई गोंदा जी भी इउं सतगुरु जी के चरणों में आके जुड़दा है जप जी साहब का पाठ करता ध्यान ला के बहिंदा है होर जिथे जिथे संगत की सेवा मिलती है गुरु के लंगर भी सेवा करता है झाड़ू पोचे की सेवा क्योंकि गुरु घर तो भाई जिहड़ी भी सेवा मिल जाए ना वो कर लेनी चाहिए है तो सतगुरु जी इस गल की गरंटी लेंदे है कहिंदे प्रेम भावना रख के कोई इतों एक डक्का भी चक्के दूजे पासे धर दे ना परमेश्वर ओदी घालना भी अजाई नहीं गवाउंदा ओदा भी फल मिलदा है पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं भन्ना घाले एक तिल मात्र भी घालना घाली हुई किसी की व्यर्थ नहीं जाती ये भाई गोंदा जी बहुत लंबा समा सतगुरु साहब जी के पास कीरतपुर साहब रहे ध्यान लाते रहे ध्यान की अवस्था परिपक् हो गई सतगुरु सच्चे पातशाह ने हुक्म किया कहिंदे भाई गोंदा काबल दे विच चलिया जा उत्थे जाके गुरु की सिक्खी का प्रचार कर धर्मशाला बनवाई क्योंकि हुण आपां गुरुद्वारे कह दिंदे आ पुरातन समय विच ये शब्द धर्मशाला ही हुंदा सी घर घर अंदर धर्मशाल होवै कीर्तन सदा वसोआ बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ गुरमुख कल विच प्रगट हो पुरातन समय विच शब्द धर्मशाल ही वरत्या जांदा सी धर्म की जगह अज आपां गुरुद्वारा क्योंकि जिथे गुरु साहब प्रतक रूप शोभायमान हो गए वह गुरद्वारा जिथे गुरु के नाम के उत्ते विचार चर्चा की जाए वाहगुरु परमेश्वर की भगती की जाए सतगुरु सच्चे पातशाह भावें कि हर जगह हाजिर नाजर हन पर शरीर रूप में हाजिर नहीं होंगे सन उस वेले उत्ते गुरु के सिख हाजिर रहिंदे सन उन्हें धर्मशाला कहा जाता ये चेते रखना कोई पुछ ले भी धर्मशाला ते गुरुद्वारे का फर्क की है भी क्यों ये वक्रे वक्रे शब्द वरते जाते हैं गुरु का सिख सत वचन कह के काबल दे विच चलिया गया सतगुरु जी के हुक्म मुताबक आप नाम जपदा बाणी पढ़ता होरना नूं पढ़न लई प्रेरणा करता गुरु के शब्द की विचार हुंदी कथा कीर्तन के प्रवाह चलते संगतां जुड़दियां ते खालसा जी इउं जो दसवंध संगतां दा एकत्र हुंदा ना उह संगतां दी भलाई वास्ते गरीब दा मूंह गुरु की गोलक उत्थे खर्च कर दिता जांदा कोई लंगर ते किसे लोड़वंद दी सहायता वास्ते पुरातन सिधांत भी इही सी खैर मैं इस पासे ना जावां सो भाई गोंदा जी एक दिन अमृत वेले इशनान करके बैठे इशनान करके जपजी साहब का पाठ किया पाठ करन तो बाद एकदम ध्यान सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी के चरणों में लग गया ध्यान की अवस्था परिपक् सी ना हुण आपां दो उदाहरण पहला समझिए एक तो कछू कुमी दी एक दूजी उदाहरण कूंज दी वह तो दुनियावी तौर के उत्ते अपने बच्चे पाल दियां ना अपने बच्चों को पालन वास्ते ध्यान लाउंदियां यही ध्यान जे दुनियावी पदार्थों तो कन्वर्ट होकर साडा सतगुरु जी वाले पासे लग जाए तो फिर कितने वड्डे फल की प्राप्ति होंदी है देखो सुनो अगे भाई गोंदा समाधि स्थित हो गया निर्विकल्प समाधि दे विच चलिया गया प्रेम की भावना दे नाल सतवें पातशाह दे दोवें चरण पकड़ लए अमृत वेला लंघिया दोपहर हो गई शामा पै गईयां उसे तरह निर्विकल्प समाधि विच भाई गोंदा जुड़िया होया क्योंकि ध्याता ध्यान दोवें खत्म हो गए त्रिपुटी टुट गई धे दे विच सिर्फ सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणों विच ध्यान दिया इधर सतगुरु सच्चे पातशाह कीरतपुर साहब की धरती ते बैठे अमृत वेले बैठे ज्यों ही भाई गोंदे ने ध्यान दे नाल भावना विच आ के समाधि विच चरण फड़े सतगुरु जी भी इहल बैठे शरीर का कोई अंग प्रतंग हिलाया नहीं रागी सिंघा ने अमृत वेले का कीर्तन किया कीर्तन की समाप्ति हो गई सतगुरु जी उठे नहीं संगत बड़ी हैरान लांगरी सिंह प्रशादा पानी तैयार करके लिया बेनती की महाराज सच्चे पातशाह हुण लाभ भोग हर राय पर सतगुर सच्चे पातशाह समाधि विच कोई उत्तर नहीं ध्यान दे विच बैठे रहे गुरु का सिख थोड़े समय बाद फिर आया दो चार बार इस तरह आया
बेनती की महाराज सच्चे पातशाह आप जी भोग लावो जे भोग लगेगा तो ही प्रशादा वरतेगा ना संगत विच आपां वी हुण इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में पहला भोग लवा के उस तो बाद ही संगत विच वरतदा ना गुरु ना छके तो फिर संगत किवें छक सकती है। सतगुर सच्चे पातशाह जी के चरणों में इउं दो चार बार बेनतियां कीतियां पर सतगुरु जी अहल रहे सिख की भावना भाई गाउंदे ने चरण फड़ रखे है अहल बैठे है बिल्कुल अपने तख्त के उत्ते अपने आसन के उत्ते। शामा पै गईआं फिर कितें जाके भाई गाउंदे दा ध्यान समाधि खुली ध्यान हटिया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी जगह तो हिले सिखां ने आके बेनती की महाराज सच्चे पातशाह अज की कौतक वरता रहे हो असी दुनियावी जीव हैं तुहाडी अवस्था नूं समझ नहीं सकते सानू समझाउण वास्ते महाराज दस दे। महाराज मुस्कराए सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज कहिंदे भाई काबल दे विच ना साडा इक सिख भाई गोंदा उहने ध्यान लग के साडे चरण फड़ रखे सी असी चरण तां नहीं हिलाए भी गुरु दे सिख दे रस दे विच फर्क ना पै जाए किते उहदी समाधि उथान ना हो जाए। इउं सतगुर सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा ध्यान सारी धारदे है नमो ध्यान ध्याने जिहड़े नमस्कार करने योग है ध्यान की ऐसी अवस्था है भाई गोंदे वर्गिया ने सतगुरु जी के चरण फड़ के बिठाई रखिया। कुछ एक सिख शंकावादी भी होंगे है सारे भावना वाले नहीं होंगे कई अपने वर्गे मनमुख भी होंगे है ना। जदों महाराज ने यह वचन कहे तो उस वेले उन्हां सिखां ने कहा भी यह किवें हो सकता है निर्णय करांगे उस वेले का समा दिन तरीक सारा लिख के रख लिया। कहिंदे जदों कोई काबल तो संगत आई जां भाई गोंदा जी आए पुछांगे जरूर उस दिन। कई दिनों बाद भाई गोंदा जी काबल की संगत नाल आए भाई गोंदा जी के साथियों ये शंकावादी सिख पुछते हैं कहिंदे भाई फलानी तरीक नूं भाई गोंदा जी ने किन्ने तो किन्ने बजे तक ध्यान धारिया उन्होंने सारी गल उवें दसदी कहिंदे भाई अमृत वेले इशनान करके जप जी साहब का पाठ करके बैठे सी शाम तक समाधि विच ही बैठे रहे निर्विकल्प समाधि कोई विकल्प ही नहीं फुरिया। यह सुन के वह शंकावादियों के भी मन की निष्ठा हुई निश्चा हो गया सारी संगत कहती है धन गुरु के सिख धन गुरु हर राय साहब महाराज धन भाई गोंदा जी। सो इउं भाई परमेश्वर के वह प्यारे जिहड़े उहदा ध्यान धारदे आ धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआओ जन का संग चित आवै उन्हां रब के प्यारियां दी ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੋ ਹਾਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵ ਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब सोई सारे उन्होंने जय जयकार करते आस्थान जिस स्थान के उत्ते हाजरियां भर रहे हो प्रेमियों इत्थे एवें तां नहीं जंगलों में मंगण लगे उन्हां महापुरखां की करनी कमाई का करके ही है ना उन्होंने जो परमेश्वर का ध्यान धारिया उहदा करके वाहिगुरु परमेश्वर ने जय जयकार करवाई है ना जंगलों में मंगण लाए नहीं पिंड तां होर भी बहुत वसदे है नगर तो होर भी बहुत वसदे आ पर जिथे रब दे प्यारिया ने आके चरण पा दिते जंगलों विच मंगल ला दिंदे जिथे होवे वासा संतां दा रब नूं भी मनना पै जांदा कीता अरदासा संतां दा जड़ां पुटण उस कुल दियां जो करे तमाशा संतां दा जंगलों विच मंगल ला दिंदे रब दे प्यारे अठ साठ तीर्थ जै साध भगत रहै अठाहठ तीर्थां दा वासा जिथे रब दे प्यारे आके चरण पा देन। सो इउं रब दे प्यारिआं दी महिमा करन वास्ते आपां इस स्थान दे उत्ते जुड़े हैं। अज ऐतवार दा दीवान दिन भर चलना है शाम दे दीवान विच फिर आप जी दे चरणां दे विच छे एक बजे तो बाद हाजरी भरनी है जिहड़ियां संगतां उस वेले हाजरी भर सकते हैं भाई जुड़े हो क्योंकि गुरु के इतिहास की लड़ीवार कथा नेता प्रति सतगुरु जी ने सेवा बख्शी हुई है दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का इतिहास चल रहा है
तख्त श्री दमदमा साहब की धरती मालवे नू सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिवें नवाज रहे हैं भाई डल्ले होरां दे कोल जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिशां वरता रहे हैं सो वो सारा इतिहास आपां शाम दे दीवान दे विच सरवण करना है। हुण थोड़े समय तक प्रकाश किए गए अखंड पाठ साहब उन्होंने भोग पाए जाने हैं सीमित जी हाजरी ऐतवार को सवेर वेले होंदी है बाकी दिन शाम को गुर इतिहास की सेवा आप जी के चरणों के सतगुरु सच्चे पातशाह आप करवाते हैं। सो समूह संगत जिन्हें सुन रहे हो जो सुनिया गुरु की बाणी के वचन उन्होंने हिरदे जरूर वसाए कुछ ना कुछ लैके जाइए गुरु घर आए हैं तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਜਾ ਬਿਰਧ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਨਗੋਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।